हम लोग आपके सामने एक बहुत ही खूबसूरत मेथड लेकर आए हैं। आइए पढ़ते हैं क्या है वो मेथड क्या है। तो 9999 99 और 999 के मल्टीप्लिकेशन पे डिपेंड है। आइए हम लोग समझते हैं कि क्या है ये। जैसे अगर हम कह दिया जाए, देखते हैं हम लोग सीखते हैं। आइए हम लोग क्या कहते हैं, अगर हम कह दें कि 74 में 99 से प्रोडक्ट कर दीजिए, 74 में क्या कीजिए तो 99 से प्रोडक्ट कीजिए, यही हो सकता है ना। कहने का क्या मतलब है, हम लोग देखेंगे मल्टीप्लिकेशन। पहले इस चीज को थोड़ा सा समझते हैं। हम लोग जो मल्टीप्लाई करते हैं वो क्या होता है, होता है क्या है कि ऊपर वाले संख्या में अंकों की संख्या, ऊपर वाले संख्या में अंकों की संख्या और नीचे वाले संख्या में अंकों की संख्या आपस में क्या होती है तो बराबर होती है। नहीं, जैसे यहाँ बराबर ऊपर में भी दो संख्या, ऊपर की संख्या में भी दो अंक है और नीचे की संख्या में भी दो अंक है, उसी तरह से ऊपर नीचे क्या हो सकता है, बराबर हो सकता है। या क्या हो सकता है मेरे प्यारे भाई, कि ऊपर में कम हो, ऊपर में कम हो और नीचे में ज्यादा हो, नहीं इस तरह से हो सकता है। तीसरा क्या हो सकता है, ध्यान से समझना है, तीसरा क्या हो सकता है कि ऊपर में ज्यादा हो नहीं और नीचे में ही कम, इस तरह से थ्री पॉसिबिलिटी बनती है प्रोडक्ट की, और कोई पॉसिबिलिटी नहीं बनता। तो हम लोग तीनों को वन बाय वन करके डीपेस्ट मेथड में देखेंगे, एकदम बारीकी से देखेंगे, इतना कि जितना कि आपको देखते ही मजा आ जाएगा। आइए हम लोग देखते हैं। चलिए, तो हम लोग ने सबसे पहले क्या लिया कि ऊपर नीचे में अंकों की संख्या क्या है हमारी, बराबर है। देखिए इसको मल्टीप्लाई करना है तो मल्टीप्लाई करना है, आज हमने एक नया मेथड पढ़ेंगे, मल्टीप्लाई करना है तो देखिए मल्टीप्लाई तो लिखा हुआ है साइन, लेकिन मल्टीप्लाई करना नहीं है, मेरे पास है, मेरे यूट्यूब चैनल को देख रहे हैं तो इसको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। देखिए क्या करते हैं, क्या करेंगे इसमें हम लोग कि नीचे वाले में से ऊपर वाले को सब्ट्रैक्ट करेंगे। कहने का क्या मतलब है कि ये 9 में से 7 को क्या करेंगे हम लोग, सब्ट्रैक्ट करेंगे, रिजल्ट कितना आ जाएगा 2, एकदम ध्यान से समझना है, है ना। और यहाँ पे भी हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ पे भी सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो 9 में से 4 को सब्ट्रैक्ट कीजिएगा, रिजल्ट आएगा 5 आएगा ना। इसके बाद कुछ है क्या सब्ट्रैक्शन के लिए, नहीं, यानी कि ये वाला टर्म जो है मेरा वो कहलाएगा लास्ट, लास्ट टर्म, है ना। और जो भी लास्ट होगा ना हमारा, जो भी लास्ट होगा उसमें जो रिजल्ट आ रहा है ना उसमें 1 ऐड कर दीजिएगा। लास्ट टर्म में क्या करना है, 1 ऐड करके यहां लिखना है। यानी हमने क्या किया, 9 में से 4 को सब्ट्रैक्ट किया, रिजल्ट 5 आया, उसमें 1 बढ़ा के यहां लिख देंगे 6। स्पष्ट है, कुछ भी नहीं था। अब क्या करना है, ये जो 74 है यहां पे क्या ने 1 बढ़ा के लिखे थे तो इधर 1 कम करके लिख दीजिएगा, यही आंसर है। स्पष्ट है, कुछ भी नहीं है। आइए एक और एग्जांपल देखते हैं, बहुत ही खूबसूरत था। 74 में से 1 को माइनस करके लिखेंगे, क्यों 1 माइनस, क्योंकि उधर में हम लोगों ने 1 ऐड करके लिखा था, ओके ना, बस यही था। आइए कुछ और एग्जांपल दे लेते हैं। जैसे हम कह दें कि 5432 और इसमें हम लोगों को 999 और 9 से क्या करना है, तो मेरे प्यारे भाई प्रोडक्ट करना है, प्रोडक्ट ही करना है, कुछ भी नहीं है। देखिए कितना मतलब सटीक से करेंगे हम लोग, क्या करेंगे, 9 माइनस 5 करेंगे कितना होगा 4 हो जाएगा, 9 माइनस 4 करेंगे कितना होगा 5 होगा, 9 माइनस 3 करेंगे 6 हो जाएगा, 9 माइनस 2 करेंगे 7 रिजल्ट आएगी। लेकिन जानते हैं कि लास्ट वाला में हम लोग को क्या करना होता है कि 1 ऐड करके आंसर देना होता है। रिजल्ट तो 7 आ रही थी लेकिन 1 ऐड करके 8 लिखेंगे, यहां पे क्या भरेंगे हम लोग 8, और ये जो पूरा है ना उस पूरे में से 1 को माइनस करके यहां लिख देना है, कुछ भी नहीं है। 5431 ये पूरा आंसर है यहां से यहां तक। जब आप अपने प्रोडक्ट कीजिएगा यहां से यहां तक तो रिजल्ट कितना आ जाएगा, इतना, कुछ नहीं है, बहुत ही खूबसूरत है। आइए एक और एग्जांपल देखते हैं, स्पष्ट है। चलिए आइए हम एक और एग्जांपल लेते हैं, 3 2 4 5 6 7 8 3 2 9, इतनी बड़ी संख्या है हम लोगों ने दे दिया और इससे कहा हम लोगों ने 9 9 9 9 9 9 9 9 9 और 9 से प्रोडक्ट कर लीजिए, कुछ भी नहीं है, ध्यान से समझेंगे। 9 माइनस 3 करेंगे 6 हो जाएगा, 9 माइनस 2 करेंगे 7, 9 माइनस 5 4 करेंगे 5 4 3 2 1 6, कर रहे हैं फास्ट। चलिए 9 में से हम लोग 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे 7, 9 में से 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे 0 आएगा, लेकिन 1 बढ़ा के लेंगे ना, 0 में 1 जोड़ दीजिएगा तो 1 हो जाएगा, तो ये बढ़ा के लेंगे। इस पूरी संख्या में से क्या करना है हम लोग को, ऊपर वाले में से 1 माइनस करके लिखेंगे यहाँ पे, तो लिखेंगे 3 2 4 5 6 7 8 3 2 1 1 सॉरी 8 9 है तो 1 ही कम होगा ना, तो 8 हो जाएगा। इस तरह से इतनी बड़ा मल्टीप्लिकेशन आपने
बिना किसी मेहनत के देखिए कितना खूबसूरत तरीका से निकाल लिए। आप चेक कर सकते हैं मोबाइल में, इतना तो करने में आपको 2 जन्म लग जाएगा मल्टीप्लाई करने में, काफी टाइम लगेगा, बोर हो जाएगा करते करते। आप मोबाइल का हेल्प लीजिए, मोबाइल में भी इतना बड़ा कैलकुलेशन एडजस्ट नहीं करेगा मेरे ख्याल से। देख रहे हैं ना कितनी बड़ी संख्या है मल्टीप्लीकेशन का। इस तरह से हम लोग ने बिना दिमाग पे, बिना माइंड पे जोर डाले हुए सिर्फ एड और सब्ट्रैक्ट करके बना दिया। आइए, आपको लगता है कि सर हम लोगों ने 9 × 8 करके वही रूल तो दिखा दीजिए एक बार, हम देखते हैं। इतना छोटा वाला भी हम लोग कर सकते हैं क्योंकि हम स्टार्टिंग ही 9 से किए हैं। आइए, हमने कहा था कि 9 में से क्या करना है, 8 को सब्ट्रैक्ट करना है, 1 आएगा ना, 1 आएगा ना, लेकिन लास्ट वाला है ना, तो एक बढ़ा के लिखेंगे हम लोग, तो 2 लिख देंगे। जो यहां रहता है उसको एक कम करके लिख देते हैं तो 7 लिख देगा। हम जानते हैं 9 × 8 = 72। देखिए मेरा वही रूल है, कोई नया चीज नहीं है। इसका मतलब ये पूरा का पूरा हम लोगों ने क्या सीख लिया, मल्टीप्लाई करना। अभी हम लोगों ने क्या सीखा है कि ऊपर में और नीचे में अंकों की संख्या बराबर है। अब हम लोग देखते हैं कुछ और, हाँ कुछ और देख लेते हैं, बहुत ही खूबसूरत मेथड है, बने रहिएगा। आइए तो देखते हैं, जैसे अब हम लोग देखेंगे क्या कि ऊपर में कम नीचे में ज्यादा, जैसे 3, 2, 4 और हम लोग को क्या करना है तो 9, 9, 9, 9 और 9 से प्रोडक्ट करना है इसको, ठीक है ना। इसको क्या करना है, इसके साथ प्रोडक्ट करना है। कैसे करेंगे हम लोग मेरे प्यारे भाई, ध्यान से समझेंगे। क्या है यहाँ पे, ऊपर में और नीचे में तो बराबर नहीं है ना, तो 0 लगा के बराबर कर लेंगे, स्पष्ट है ना, कुछ भी नहीं था, 0 लगा के बराबर कर लीजिए। अब पहले की तरह हो गया ऊपर और नीचे में अंकों की संख्या बराबर, और हमेशा नीचे वाले में से सब्ट्रैक्ट करते हैं और पॉजिटिव वैल्यू आती थी हमारी, तो 9 में से 0 को सब्ट्रैक्ट कीजिएगा, क्या आ जाएगा हमारा 9। 9 में से 0 सब्ट्रैक्ट करेंगे 9, 9 में से 3 सब्ट्रैक्ट कीजिएगा 6, 7 नहीं, और 9 में से 4 सब्ट्रैक्ट कीजिएगा 5, तो रिजल्ट आता है, लेकिन हम लोग यहाँ क्या 5 ले लेंगे, नहीं, हम जानते हैं कि लास्ट वाले में एक बढ़ा के लेंगे यानी कि 6, और इस पूरे में से क्या करना है हम लोग को, एक कम करके लिख देना है, तो रिजल्ट हो जाएगा 3, 2, 3 ना, 0, 0 यहाँ लगा लीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, स्पष्ट है। तो इस तरह से बहुत ही खूबसूरत मेथड से हम लोग ने इसका मल्टीप्लीकेशन देख लिया। आइए एक और देखते हैं। चलिए, अगर आपसे कहा जाए कि प्रोडक्ट कर दीजिए 3, 2, 9, 8, 5, 6, 0, 0, 8 इस तरह से दिया हुआ है, और हम इससे प्रोडक्ट करना जा रहे हैं 9, 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
100% सेम ही रिजल्ट आएगा। चलिए इसके लिए हम लोग एक जीरो ले लेंगे, यहाँ जीरो, यहाँ जीरो, यहाँ जीरो। इसका मतलब देखिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 हमने ऊपर और नीचे क्या कर दिया, संख्याएं बराबर कर दी। अब क्या करना है हम लोग को, तो सब्ट्रैक्ट करके लिख देना है। नहीं, आइए तो 9 में से 0 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्या लिखेंगे यहाँ पे, 9, 9 में से 0 जाएगा 9, 9, 9, 4, है ना। यहाँ देखिए 9 माइनस 5 गया 4, 9 माइनस 3 गया क्या हो जाएगा 6, 9 माइनस 2 गया 7, यहाँ 0, यहाँ 1, यहाँ 3, यहाँ क्या हो जाएगा 9, 9, 9 माइनस 8 जाएगा कितना होगा 1 आएगा, रिजल्ट तो 1 आ रहा है तो क्या हम लोग 1 ले लेंगे, नहीं लास्ट वाला है एक बढ़ा के लेंगे 2, और फिर इस पूरे में से क्या करना है हम लोग को, एक कम करके लिख देना है 9, 8, 6, 0, 0, 7। इस तरह से इतना बड़ा कैलकुलेशन हम लोगों ने कर लिया, बहुत ही आसान तरीका से किया। अब हम लोग इसका तीसरा टाइप देखेंगे जो काफी इंपॉर्टेंट और काफी महत्वपूर्ण है ना। हम लोग देखते हैं, बहुत ही खूबसूरत है, आशा नहीं पूर्ण विश्वास है कि ये कहीं नहीं मिलेगा, है ना, इसलिए आराम से देखिए समझिए। चलिए जैसे मान लीजिए अब हम कह दें 5, 3, 2, 8 में क्या करना है, 5, 3, 2, 8 में क्या करना है, तो सिर्फ 9, 9 से ही प्रोडक्ट करना है। ध्यान से समझिए, सिर्फ डबल लाइन से हम लोगों ने क्या कर दिया, प्रोडक्ट कर दिया। मतलब अब हमने एक नया टाइप बना दिया जिसमें ऊपर में अंकों की संख्या ज्यादा और नीचे में कम हो। हाँ, ध्यान से देखेंगे, अगर आप कहिए कि यहाँ भी 0, 0 लगा करके आप 4 अंक ऊपर 4 अंक नीचे बना दीजिए, लेकिन जैसे ही 0 में से 5 करेंगे तो नेगेटिव आ जाएगा, यानी यहाँ 0 लेना मेरा पॉज अच्छा रहा, नहीं रहा, वो तो वैलिड नहीं हो पाया, है ना। तो इस तरह यहाँ से नीचे भी 0 नहीं लेंगे, है ना, तो इसको प्रोडक्ट करना है। कैसे करेंगे समझेंगे,
हम लोग देखेंगे कि किसके किसके नीचे 9 है, तो इस दो के नीचे 9 है, एकदम ध्यान से समझना है, इस दो के नीचे 9 है, तो पहले वाला जैसे प्रोसेस करते थे वैसे ही कर लीजिए। 9 माइनस 2 कितना हो गया हमारा, तो 7। 9 माइनस 8 कितना हो गया, 1 तो आएगा लेकिन लास्ट वाला है ना, तो एक बढ़ा के क्या कर लेंगे हम लोग यहाँ पे ले लेंगे, यानी 1 की जगह पे क्या ले लेंगे यहाँ पे 2 ले लेंगे, स्पष्ट है। अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे ध्यान से समझना, अब क्या करेंगे हमारे इस पूरे नंबर से, जो पूरा नंबर है 5328, इस पूरे नंबर से क्या करना है मेरे भाई, जितना के नीचे 9 नहीं है, देखिए इसके नीचे और इसके नीचे 9 नहीं है, है इस दो के नीचे 9 नहीं है ना, इस दो के नीचे 9 नहीं है ना, तो इस दोनों को क्या कर देना है यहां से, सब्ट्रैक्ट कर देना, ध्यान से समझना है, इस दोनों को क्या कर देना है यहां से, सब्ट्रैक्ट कर देना है। 8 माइनस 3 करेंगे 5 आ जाएगा, 12 माइनस 5 करेंगे 7 आ जाएगा, 2 आ गया 5 आ गया, इस तरह से हम लोगों ने सब्ट्रैक्ट करके लिख दिया। ये जो रिजल्ट आया क्या इसको उठाकर रख देंगे यहाँ पे, अभी भी नहीं रखेंगे, क्यों, क्योंकि हम जानते हैं रूल्स, हमारा पिछले दो बार से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि आगे कुछ बढ़ाए हैं तो पीछे कुछ कम करके लिखते हैं, ये जो रिजल्ट आया ना इसमें से फिर एक कम करके लिखेंगे, यानी 5, 2, 7 और 4, 5, 2, 7, 4, 7, 2, इस दोनों का प्रोडक्ट का क्या हो गया, रिजल्ट हो गया, बहुत ही खूबसूरत था। आइए हम लोग कुछ और करते हैं, अगर मान लीजिए यहाँ पे हमारा 2, 3, 9 ना देकर के 2 9 ना देकर के 3 कर देते हैं, एक और बढ़ा देते हैं, ठीक है, तब क्या होगा हमारा, फिर वही प्रोसेस करना है, 9 माइनस 3 करेंगे कितना आ जाएगा हमारा 6, 9 माइनस 2 करेंगे कितना हो जाएगा 7, 9 माइनस 8 करेंगे कितना आ जाएगा हमारा, ध्यान से समझना है, 1 आता लेकिन लास्ट वाला है तो एक बढ़ा के लिखेंगे हम लोग। फिर क्या करेंगे हम लोग मेरे प्यारे भाई, फिर क्या करेंगे, इस पूरे में से कितना सब्ट्रैक्ट करना होगा, 5, 3, 2, 8 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करना होगा, नहीं 5 को सब्ट्रैक्ट कीजिएगा, 5, 3, 2 और 3, यही आ गया ना, क्या इसको उठाकर यहाँ रख दे क्या, नहीं रखेंगे अभी भी हम लोग, क्यों, क्योंकि लास्ट वाले में एक बढ़ा के लिखा था तो एक कम भी तो करना है, तो इसी से कम करना है, जो रिजल्ट आता है उसी में से क्या करना है, एक कम कर देना है, 5, 3, 2 और 2 रिजल्ट हो जाएगा, बहुत ही खूबसूरत टाइप है ये हमारा, कुछ भी हो कितना भी हो हम लोग आसानी से कर सकते हैं, स्पष्ट है। आइए इस तरह से हम लोगों ने देखा मल्टीप्लीकेशन, आप घर में भी सारे नंबर से अप्लाई करके आप देख सकते हैं। एक और देखते हैं, आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्या देख लेते हैं, मान लीजिए 7, 7, 7, 7, 7 है ना, और यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं 9, 9, 9, स्पष्ट है, बहुत ही खूबसूरत है। इसमें हम लोग को क्या करना, प्रोडक्ट करना है, क्या करेंगे हम लोग, फिर 9 में से 7 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 2 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 2 आता यहाँ भी 2 आ रहा है लेकिन लास्ट वाला है, इसलिए क्या करेंगे 3 लिख देंगे। अब क्या करना है, तो इस पूरे 7, 7, 7 में से आप माउथ से भी कर सकते थे, 77 घटा के 00 हो जाएगा, लेकिन हम दिखा रहे हैं 7, 7, 7 को क्या करना है यहाँ पे माइनस, तो ये 00 हो गया और ये 7, 7, 7 हो जाएगा। ये जो रिजल्ट आया उसमें से फिर क्या करना है, एक और माइनस करना है, यहां से फिर एक माइनस करना है, नहीं तो कितना रिजल्ट हो जाएगा, 9, यहाँ पे 9 हो जाएगा, फिर 9 हो जाएगा, फिर 6, 7 और 7, इस तरह से हम लोगों का मल्टीप्लीकेशन रिजल्ट आ जाएगा, बहुत ही खूबसूरत है हमारा ये मल्टीप्लाई करना, और इस तरह से आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो फास्ट नहीं फास्टेस्ट मैथड कहलाता है ये, और कैलकुलेशन में आपके 4 चांद लगा देगा। तो फिलहाल के लिए आज इतना ही, कैसा वीडियो लगा आप लोग लाइक सब्सक्राइब और शेयर और कमेंट के थ्रू हमें को बताइए। चलिए आज के लिए इतना ही, जय हिंद जय भारत, धन्यवाद।